अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं अजाद चाईवाला। मैं अभी किसी दोस्त से बात कर रहा था तो वो कह रहा था कि व्हाट ही इज गोइंग टू डू इज, अभी वो दुबई में रहता है, उसने टिकट बुक करवाई है, वो पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान लाहौर उतरेगा, लाहौर से फिर ज़ाहिर है 3-4 घंटे लगेंगे एयरपोर्ट उतरने में, मे बी ही इज गोइंग गो होम क्योंकि वो लाहौर का है, वहाँ से वो 4 घंटे दूर एक शहर जाएगा, वहाँ पर एक बंदे से मिलेगा, उस बंदे के साथ क्या होगा, 1-2 घंटे की मीटिंग होगी और फिर वो वहाँ से वापस चलेगा, 4 घंटे लाहौर आएगा, मे बी ही स्टे अ फ्यू डेज एंड फिर सीधा वापस दुबई आएगा, अगेन 3-4 घंटे की फ़्लाइट है, 2 घंटे फ्लाइट है, जो भी है उसके अच्छे खासे 3-4 दिन जो है ना गुजर जाने हैं फॉर समथिंग जो वो फ़ोन पे कर सकता था, समथिंग वो जो फेस टाइम कर सकता था, समथिंग वो जो स्काइप कर सकता था। कहते हैं यार दुबई में बैन है ये वो, लेकिन हो जाता है, यू कैन स्टिल टॉक, ठीक है। तो इवन 33 लाख को भी आप पैसे दो तो काट देती है, बस उनके वॉइप वाला लेना पड़ता है। एनीवे बात मुख्तसर सी ये है कि फजूल लोग जो होते हैं वो मीटिंग्स करते हैं, मेरे से अक्सर क्या होता है, बेले जो बंदे होते हैं, फारग जो बंदे होते हैं, जो पैसे नहीं कमा रहे, द पीपल दैट आर नॉट सक्सेसफुल, उमूमन वो लोग जो है ना मीटिंग्स करते हैं। मैं बहुत थोड़े हकीकी मिलियनेयर्स को जानता हूँ या सक्सेसफुल लोगों को जानता हूँ, कामयाब बंदों को जानता हूँ जो मीटिंग्स करते हैं। ये नहीं मैं कहता कि यार कुल मीटिंग्स हराम है, मे बी जो 100 मीटिंग्स है उसमें से यार 10 काम की होंगी, 90 जो होती हैं दे आर जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, हर चीज़ ईमेल के जरिए डायरेक्टली फ़ोन पे हो जाती है, फेस टाइम पे हो जाती है, यानी सामने आजकल यार टेक्नोलॉजी उस पर हो जाती है। जिन लोगों को कदर होती है ना अपने वक्त की, एंड दे नो के माई टाइम इज़ वैल्यूबल, मैं इससे पैसा कमा सकता हूँ, मैं इसे और काम के काम कर सकता हूँ, देन दोज पीपल डोंट डू मीटिंग्स। मेरे बाइक के अक्सर जानने वाले हैं, कस्टमर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, उनके नाम से उनको पता चल जाता है कि यार ये आज़ाद के भाई लगते हैं, और उनसे फिर वो पूछते हैं जी आज़ाद भाई से बात करवा दो, ज़्यादा इसरार करते हैं, तो फिर मेरे भाई उनको नंबर दे देते हैं, अपने से ही फ़ोन करके मुझे दे देते हैं और मेरे से वो बात करते हैं, एंड हर बंदे की यही होती है यार आज़ाद भाई मीटिंग कर सकते हैं, आज़ाद भाई आपसे मिल सकते हैं, क्यों यार नंबर वन जहाँ पे भी अगर मेरे भाई की दुकान पे भी है तो आधा घंटा मिनिमम 40 मिनट लगेंगे उनको मेरे दफ्तर आने में, जब वो आएंगे देन सलाम अलैकी, फिर फजूल की बातें होंगी, आप कहाँ से हो मैं कहाँ से हो, आराम से 2 घंटे, इट्स हैपेंड मल्टीपल टाइम्स। जब मैंने किसी को टाइम भी दे दिया कि यार 10-20 मिनट बात करते हैं, व्हाट हैपेंस इज वो 10-20 मिनट 2 घंटे बन जाते हैं, एंड उस 2 घंटे में आई कुड हैव अचीव्ड अ लॉट। अक्सर जो ये लोग होते हैं मस्के लगाने वाले होते हैं, दे डोंट हैव अ क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन, ना उनको क्लियर डायरेक्शन होता है कि मुझे चाहिए क्या आज़ाद भाई से। सो व्हाट नाउ आई डू इज जैसे वो मेरी बात करते हैं, अभी इस रूट बंदे को यार कहना कि नहीं मेरे पास वक्त नहीं है वो तो बिल्कुल गलत होगा, मैं कहता हूँ आप ना बजाय मीटिंग करने के ना अभी मेरे को बता दो राइट नाउ आपका मसला क्या है। कोई कहता है जी डोमेन का ये है, कोई कहता है जी मुझे CMS बनाना है, मुझे कोई कहता है फ्लां करना है, मुझे मार्केटिंग करनी है, मैं इसमें किस तरह कस्टमर ला सकता हूँ, मैं कैसे बेच सकता हूँ, और अगर मुझे उसका सोल्यूशन पता हो तो मैं वहाँ के वहाँ बता देता हूँ। अब वो कहता हूँ पेन पेंसिल पकड़ लो, 5-10 पॉइंट मैं आपको दूंगा, डू दिस, जब आप कर लिए तो फिर मेरे से रब्ता करना एग्जैक्टली इसी जरिए से, एंड अगला हर बार आपको बताऊंगा, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेजॉरिटी क्या कह लें 99.9% ऑफ द टाइम वो लोग वापस ही नहीं आते। सो सिंपली क्या कहना था, पाकिस्तानी बीमारी है, गरीब दिमाग की बीमारी है मीटिंग्स, मीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब भी आपको कुछ चाहिए ईमेल कर दो, और जब भी आप ईमेल करते हो उसका हर बार ये होता है कि जो भी पॉइंट आप लिखते हो उसका मुझे जवाब चाहिए। सो ये नहीं कि ये मेरी थॉट है, ये इसे क्या करना चाहिए, डू यू थिंक ये सही है, इसको किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, एंड टेल द पर्सन कि यार अगले दिन दो में आप जवाब दे दो, वो बेहतर जवाब होगा, फॉलो अप कर लो, जी आपको मैंने ईमेल भेजा था उसका आपने जवाब नहीं दिया वगैरह वगैरह। सो प्लीज़ खुदाया मीटिंग की जान छोड़िए, दैट इज़ जस्ट अ फैंसी वर्ड फजूल लोग इस्तेमाल करते हैं, मान लेते हैं कि यार कभी कभार 4-5-10 बंदों को इकट्ठा होना पड़ता है टू गेट अ वन डिसीजन, उसका भी मेरे पास हल है, मेरे पास यार ग्रुप्स हैं, हर बिजनेस को चलाने वाले ग्रुप्स हैं, प्रॉपर्टी वाला है वहाँ पर डालता हूँ, जो डिसीजन मेकर होता है जिसका कुछ उसके साथ ताल्लुक होता है, जिसको कुछ करना होता है वो पढ़ लेता है और वहाँ पर जवाब दे देता है। अगर गेमिंग का है, कोई वीडियो प्रोडक्शन का है, यार चैरिटी का काम है, मेरे जो ग्रुप है जो बिजनेस वाला ग्रुप है, मैं कहता हूँ मुझे फलां फैसला लेना है, फलां चीज़ करनी है, यार ये देखो इसने क्या कहा वो क्या कहा, दे देयर एंड देन उसी में जवाब देते थे। जो बंदा फारग होता है उसमें नो टोटल बंदे हैं जिसमें मैं शामिल हूँ, एंड मुझे कोई ना कोई बंदा ऐसे जवाब दे देता है, एंड बात डन, मुझे वो मीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट नाउ 2 बंदे UK में है, 5 पाकिस्तान में, 1 दुबई में है, क्या करें, एंड अ फ्यू डेज फ्रॉम नाउ इंशाल्लाह मैं भी आगे पीछे ट्रैवल करूंगा, आई विल बी इन डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन मेरी जो पावर ऑफ वो मीटिंग है वो मेरे पास मेरी जेब में रहेगी, उससे मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है जी बंदो, अपना ख्याल रखिएगा, बात इतनी सी थी, जो भी आइंदा आपको बंदा कहता है ना मीटिंग का, गिव दैट अ सेकंड थॉट, यार खाने के लिए भी जाओगे ना 3 घंटे आपके ज़ाया हो जाएंगे, डू यू हैव 3 आवर्स ज़ाया करने के लिए, मेरे पास तो 3 घंटे ज़ाया करने के लिए नहीं है। राइट ना मेरे बच्चे और मेरे वाइफ जो है डेंटिस्ट पे हैं, अपने दांत का वो कुछ करवा रहे हैं, आई एम सिटिंग राइट नाउ, छोटी इधर सो रही है,
एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो ताकि किसी के काम आ जाए। अगर आपको नॉन फजूल बेले बंदे नहीं चाहिए और आपने बात करनी है असली हार्ड वर्किंग एंटरप्रेन्योर से जो आपको जवाब दे सके, आपको मशवरा दे सके, तो हेड टू chaiwala.com। chaiwala.com इज माई फोरम, बिजनेस फोरम है जो मैं आपके लिए सेटअप किया, जहाँ पे हजारों बंदे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस ऑल द टाइम। फला चीज़ कहाँ से मिलती है, कहाँ से मैं खरीद सकता हूँ, ये वो, मैंने ये कदम उठाना, प्लीज़ मशवरा दीजिए। मिलियनेयर जो है पिछले और हालिया एक्सपीरियंस से आपको जवाब देंगे, एंड दे विल गाइड यू थ्रू वट एवर यू नीड टू डू, और आपकी जो भी डिसीजन होगी वो बेहतर डिसीजन होगी। मैं हूं अज़ाद चायवाला, अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको पूरी जिंदगी गरीब ही रहना है, आपको मिलियनेयर नहीं बनना, आपको अपने हालात अपने काबू में नहीं लेने, और आपको धक्के खाने का शौक है, और आपको शौक ये भी है कि जाके किसी पॉलिटिशियन के आगे हाथ जोड़ना कि यार मुझे जॉब दिला दो, मुझे मेरा इलाज करवा दो, मेरी सड़कें ठीक कर दो, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो ब्राय मेहरबानी मेरे चैनल पे मत सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल सिर्फ उन बंदों के लिए जिनमें कोई एम्बिशन है, जो अपने हालात अपने काबू में लाना चाहते हैं, जिनमें कोई आग है, कोई भूख है टू चेंज देयर लाइव्स। क्योंकि मैं एक मिशन पे हूं कि मैंने 10 लाख मिलियनेयर्स बनाने हैं, डॉलर वाले, वो इस तरह के जो हमारे सोए हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको जगाना, उनकी हौसला अफजाई करनी, उनको बताना कि यार तुम्हारे हाथ में वो हुनर है दैट कैन चेंज द वर्ल्ड, उनको उसी घिसी पिटी रटे वाली लाइन से हटा के अपनी पट्टी पे लेके आना, और उनको समझाना और उनको तसल्ली देनी कि फजूल डिग्रियों के अलावा यार हजारों रास्ते जिन पे तुम चल सकते हो और जो तुम्हें दूर की कामयाबी तक लेके जाएंगे। क्योंकि मैं यकीन करता हूं कि हमारे हालात सिर्फ बिजनेस मैन उन्हें चेंज करने हैं। इसका सबूत हमें रोजमर्रा की हर चीज में मिलता है। अगर हमारे पास अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी गेटेड कम्युनिटीज हैं, अच्छी हमारे पास मॉल्स हैं, अच्छी हमारे पास बेकरीज हैं, अच्छी हद तक हमारे पास जो अस्पताल है वो इसलिए बिकॉज किसी ने किसी बिजनेसमैन को मजीद पैसे कमाने थे, तब जाके उसने हमें बेहतर सहूलत दी। और अगर हमारा इंसान पॉलिटिशियंस पे रहता तो जाके हर सरकारी अस्पताल को देख लो, हमारे एक सी पैक पे देखो पूरी कौम किस तरह शोर है, वो भी क्योंकि चाइना के जो बिजनेसमैन है उनको लालच है यार पैसे उन्होंने मजीद कमाने हैं। सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू क्रिएट 10 लाख मिनी सी पैक्स। और एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर हमारे पास 10 लाख सी पैक्स होंगे तो फिर हमारे हालात कैसे होंगे। सो साथ दो मेरा इस सफर पे। अगर आप अपने हालात से तंग आए हो, या आपके पास जॉब नहीं है, या आपने कोई फजूल डिग्री पकड़ी हुई है, या आपने बिजनेस सीखना है, या वो बंदे हो जिनका मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूं, जिनकी फैमिली उनका हौसला अफजाई नहीं करती, मैं हूं ना, आई विल बी योर नंबर वन फैन, मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा, आई विल पुश यू, एंड टुगेदर अगर आप बिजनेसमैन बन जाते हो और मिलियनेयर बन जाते हो तो देखो नॉट ओनली अगर आपने हालात अपने ठीक करोगे, आपको कोई यू कैन हैव द बेस्ट एजुकेशन, यू कैन हैव द बेस्ट फूड, यू कैन हैव द बेस्ट रिहायश मकान वगैरह, द बेस्ट मेडिकल, आपको इस मुल्क में या बाहर जाना वट एवर यू वॉन्ट टू हैव, कोई फिक्र कुछ नहीं होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने सारे जो अपने पैसे कब्र में साथ लेके तो जाने नहीं है, यू विल स्पेंड इट ऑन द पीपल अराउंड यू, दैट्स इट। सब्सक्राइब करना है, करो ना करो दैट्स योर चॉइस, मैंने तकरीर कर दी। अगले वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।